आईपीएल 2023 के पहले मैच में एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी। आईपीएल 2023 को शुरू होने में अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। 31 मार्च को शाम 7 बजे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सीएसके के कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर से उतरेंगे। उनके सामने होंगे अपनी टीम को पहली ही बार में आईपीएल का खिताब जिताने वाले गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। एमएस धोनी को करीब एक साल बाद उन्हें फैंस खेलते हुए देखे पाएंगे। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी किसे बनाएंगे इंपैक्ट प्लेयर? आईपीएल में पहली बार इंपैक्ट प्लेयर रूल भी लागू होगा, यानी एक खिलाड़ी को बीच में किसी भी वक्त टीम में लाया जा सकता है। इसके लिए प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी पहले से था उसे बाहर किया जाएगा और दूसरे खिलाड़ी की एंट्री होगी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काम कर सकता है। ध्यान रखना होगा कि एक टीम मैच में एक ही बार इस नियम का फायदा उठा पाएगी, चाहे पहले पारी में और चाहे तो दूसरी पारी में। साथ ही पारी के 14वें ओवर से पहले पहले इसे करना होगा, इसके बाद ये नियम लागू नहीं होगा। चलिए जरा अब समझने की कोशिश करते हैं कि सीएसके के इंपैक्ट प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं। वैसे तो हमने आपको जो प्लेइंग 11 यहाँ बताई है वो काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन अगर जरूर पड़ी तो एमएस धोनी की नजर में शेख राशिद, अजिंक्य रहाणे, सिमरजीत सिंह, राजवर्धन हंगरगेकर, निशांत संधु और अब प्रशांत सोलंकी हो सकते हैं। इन 6 प्लेयर्स में से इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि एमएस धोनी पहली पारी में किसी खिलाड़ी की एंट्री कराते हैं या फिर दूसरी पारी में। अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी में इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, वहीं निशांत संधू और प्रशांत सोलंकी गेंदबाजी के दौरान। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो इन्हीं में से कोई खिलाड़ी अचानक प्लेइंग 11 में एंट्री करेगा और मैच की तस्वीर बदल देगा। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 ड्वेन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, बेन स्टोक्स, अंबाती रायुडू, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शिवम दुबे, महेश तीक्ष्णा, ड्वेन प्रोटेरियस, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे। ये खिलाड़ी हो सकते हैं सीएसके के इंपैक्ट प्लेयर। शेख राशिद, सिमरजीत सिंह, अजिंक्य रहाणे, राजवर्धन हंगरगेकर, प्रशांत सोलंकी, निशांत संधू।